हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एसटीएच इन अर्ली लाइफ लीड्स टू। प्रारंभिक अवस्था में एसटीएच का कम उत्पादन पैदा करता है। एसटीएच यानी सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन अगर अपनी अर्लियर लाइफ में ह्यूमन में इसका प्रोडक्शन कम हो तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिंगाटिज़म, एक्रोमिगेली, डॉर्फिज़म या क्रिटिनिज़म। सो राइट आंसर, सोमेटोट्रोपिन जो है ये आपका ग्रोथ हार्मोन है, तो अर्लियर लाइफ में अगर इसका प्रोडक्शन कम होगा तो जो व्यक्ति है उसमें आपका डॉर्फिज़म आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉर्फिज़म यानी बौनापन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कल्चर ऑफ एक्वस एनिमल्स, कल्चर ऑफ लॉक इंसेक्ट, कल्चर ऑफ हनी बी एंड कल्चर ऑफ प्रॉन। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, कल्चर ऑफ हनी बी यानी मधुमक्खी का पालन। नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी क्विशेंट इज नॉट लेस देन 1 इन। श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है, यानी 1 से कम श्वसन भागफल किस में नहीं होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड नॉर्मल डाइट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट का जो RQ है ये होता है आपका 1, यानी ये आपका 1 से कम नहीं है। शेष आपका जो है वो आपका लेस देन 1 होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पादक कौन सा है, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट है इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पायरुविक एसिड, एसिटल कोएंजाइम ए, लैक्टिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में बनता है आपका पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है, अस्थमा ए रेस्पिरेटरी डिसीज इज काज्ड ड्यू टू। दमा श्वसन संबंधी एक रोग उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्फेक्शन ऑफ ट्रेकिया, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ब्लीडिंग टू प्लूरल कैविटी या स्पॉज्म इन ब्रोंकियल मसल्स। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, स्पॉज्म इन ब्रोंकियल मसल्स। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी इज। शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है, कैपिलरी, वेन, आर्टरी या वेना केवा। सो स्मॉलेस्ट जो आपका ब्लड वेसल है कैविटी की ये होती है आपका कैपिलरी, कैपिलरी यानी केशिका। राइट आंसर ऑप्शन ए, कैपिलरी। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन ब्लड द नॉर्मल नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स पर क्यूबिक mm। मनुष्य के रुधिर में प्रति घन मिलीमीटर जो रुधिर प्लेटलेट्स हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये आपका होती है लगभग 1.5 लाख से 4 लाख। तो ये रेंज आपकी आती है, राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 लाख से 4 लाख। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, O2 डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है। 4 ऑप्शन, हाइपरबोलिक, लीनियर, सिग्मॉइड या स्टेशनरी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सिग्मॉइड। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप AB कंटेन्स। रुधिर वर्ग AB होता है। एबी में क्या होता है, नो एंटीजन, नो एंटीबॉडीज, नो कोगुलेशन प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका एबी ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो इसमें आपका होता है नो एंटीबॉडीज, यानी कोई प्रतिरक्षी नहीं होती है। नेक्स्ट है कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स इज प्रिवेंटेड बाय, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है। ये क्यों रुका रहता है? एल्ब्यूमिन, हिपेरिन, ग्लोबुलिन या फाइब्रिनोजन। तो ये आपका होता है जो लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है एंटी कोगुलेंट हिपेरिन, इसकी वजह से जो ब्लड है वो कोगुलेट नहीं होता है ब्लड वेसल्स में। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इज अबाउट, मनुष्य के वृक्क में निस्यंदन दाब होता है लगभग, तो ये लगभग आपका कितना होता है, तो ये आपका होता है लगभग 10 mm Hg के आसपास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग 15 mm Hg, ऑप्शन ए 15 mm Hg। नेक्स्ट है द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाय, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है इसके द्वारा, ऑर्निथीन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑर्निथीन साइकिल। नेक्स्ट है द किडनी ऑफ एडल्ट रैबिट आर, वयस्क सशक के वृक्क होते हैं, 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑपिस्थोनेफ्रॉन्स, प्रोनेफ्रॉन्स, मीजोनेफ्रॉन्स या मेटानेफ्रॉन्स। सो राइट आंसर ऑप्शन डी मेटानेफ्रॉन्स। नेक्स्ट है मॉर्फोजेनेसिस स्टार्ट्स विथ, मॉर्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है। अब ये कब से प्रारंभ होती है? मॉरुलेशन से, ब्लास्टुलेशन से, गैस्ट्रुलेशन से या न्यूरुलेशन से। तो आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप कमेंट करके बताएं कि जो मॉर्फोजेनेसिस है ये किस स्टेज के बाद से प्रारंभ होती है। राइट आंसर जो है वो आप कमेंट करके बताएं। ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय, सुनने का नियंत्रण होता है, 4 ऑप्शन, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, टेम्पोरल लोब, सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस। सो राइट आंसर ऑप्शन बी टेम्पोरल लोब्स, यानी टेम्पोरल पालियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज, एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, विटामिन, एपो एंजाइम या होलो एंजाइम। सो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी प्रोस्थेटिक समूह। नेक्स्ट है ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द, केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है, किसमें? एक्वाटिक रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, बर्ड्स या एग लेइंग मैमल्स। तो ये फ्लाइंग अडाप्टेशन होता है, वेट को रिड्यूस करने के लिए जो बर्ड्स हैं इनमें आपका केवल सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी बर्ड्स। नेक्स्ट है बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है, 4 ऑप्शन, सिरेटियम या टोक्सोप्लाज्मा, पैरामीशियम या प्लाज्मोडियम। राइट आंसर ऑप्शन ए सिरेटियम। नेक्स्ट है स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूडेड इन क्लास, मकड़ियाँ तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं, वर्ग किसमें? एरेक्निडा, इकेरिडा या एक्टिनोजोआ या एंथोजोआ? राइट आंसर ऑप्शन ए एरेक्टनिडा। नेक्स्ट है सी हॉर्स इज अ, समुद्री घोड़ा होता है एक, क्या होता है सी हॉर्स? फिश, बर्ड्स, मैमल्स या कार्निवोरा? तो सी हॉर्स जो है ये है आपका एक फिश यानी मछली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्बलेस एम्फीबियन? निम्न में से कौन सा पाद रहित उभयचर है? फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इक्थियोफिस, हाइला या फिलोसोमा एलिट्स। राइट आंसर ऑप्शन ए, जो लिम्बलेस एम्फीबियन है ये है आपका इक्थियोफिस। नेक्स्ट है साइनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, समुदाय पारिस्थितिक अध्ययन है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर है कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज, वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑटेकोलॉजी, सिनेकोलॉजी, पॉपुलेशन एकोलॉजी या रिसोर्स एकोलॉजी? राइट आंसर ऑप्शन ए ऑटेकोलॉजी यानी स्वपारिस्थितिकी। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन केस ऑफ, संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। पॉन्ड एकोसिस्टम, शुगर केन एकोसिस्टम, डिजर्ट या ग्रासलैंड? राइट आंसर ऑप्शन बी शुगर केन एकोसिस्टम यानी गन्ने के परितंत्र के मामले में। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू, यूट्रोफिकेशन संदर्भित है। इसमें आपका फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाई प्रोडक्शन इन एन एक्वाटिक एकोसिस्टम, एक जलीय परितंत्र में उच्च उत्पादन से। नेक्स्ट है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज ड्यू टू, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है इसके थ्रू होता है। इसमें आपका जो फोर ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर हो जाएगा जियोग्राफिकल आइसोलेशन यानी भौगोलिक पृथक्करण। जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है ये आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है। नेक्स्ट है द लेंस एंड द रेटिना ऑफ वर्टिब्री आई आर डेवलप्ड फ्रॉम, कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं मूर्ति पटल विकसित होते हैं। फोर ऑप्शन दे रखे हैं, एक्टोडर्म ओनली, एंडोडर्म ओनली, पार्टली फ्रॉम एक्टोडर्म एंड पार्टली फ्रॉम एंडोडर्म, मेसोडर्म ओनली। तो राइट आंसर ऑप्शन ए एक्टोडर्म ओनली यानी एक्टोडर्म से। नेक्स्ट है इलास्टिक कार्टिलेज कैन बी सीन इन, लचीली उपास्थि दिखाई देती है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं, लिम्ब बोन्स, पिन्नी ऑफ मैमल्स या प्यूबिस ऑफ ईस्ट फ्रॉग या ट्रैकी? सो राइट आंसर ऑप्शन बी पिन्नी ऑफ मैमल्स। जो स्तनियों के कण पल्लव होते हैं इनमें हमको इलास्टिक कार्टिलेज दिखाई देती है। नेक्स्ट है मोस्ट कन्विंसिंग इन डार्विन्स थ्योरी इज, डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज यानी जातियों का निर्माण। नेक्स्ट है When one of the following sets of structure represent all vestigial structure in human body, संरचनाओं का कौन सा निम्नलिखित सेट मानव शरीर के सभी अवशेषी रचनाओं को प्रदर्शित करता है? तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बॉडी हेयर तो नहीं होंगे, विजडम टीथ, कॉक्टिक्स पटेला नहीं होगा, कॉक्टिक्स सी है आपका कॉक्टिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ईयर मसल्स, तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बॉडी हेयर हैं तो ये नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज़ द कनेक्टिव लिंक ऑफ रेप्टाइल्स टू बर्ड्स, सरीसृपों तथा पक्षियों की संयोजक कड़ी कौन सी है? तो सरीसृपों और पक्षियों की जो कनेक्टिंग लिंक है वो है आपका आर्कियोप्टेरिक्स, राइट आंसर ऑप्शन बी आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स, इनमें से कौन जो है वो आपका एनालॉगस ऑर्गन यानी समवर्ती अंग है। सो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड फेदर्स ऑफ बर्ड्स, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम है अब किसका है? जावा एंड पेकिंग मानो, अफ्रीकन पेकिंग या जावा। तो जो होमो इरेक्टस है, तो जो जावा है, जावा का होता है जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका होमो इरेक्टस और जो पेकिंग है, पेकिंग का है आपका होमो इरेक्टस पेकिंसिस। तो इसमें आपका होमो इरेक्टस जो है वो दोनों में आ रहा है, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मोर करेक्ट वो होगा जावा और पेकिंग, इन दोनों को आपका हम होमो इरेक्टस कहेंगे। जो मोर करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जावा एंड पेकिंग नाम। नेक्स्ट है जूलॉजिकल नेम ऑफ पिथेकैंथ्रोपस यानी जावा एपीमैन इज, पिथेकैंथ्रोपस यानी जावा कपि मानव का प्राणी वैज्ञानिक नाम है। अब जावा का जो है वो आपका है होमो इरेक्टस लेकिन यहाँ पर आपका केवल ये सिंगल इरेक्टस दे रखा है, तो आपका यही आपका करेक्ट की श्रेणी में आ रहा है, बाकी तो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए होमो इरेक्टस। नेक्स्ट है प्राइमेट्स इंक्लूड, प्राइमेट्स में सम्मिलित हैं क्या क्या सम्मिलित हैं? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोरिस, लीमर्स, टार्सियस, मंकीज, एपीज एंड मैन, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है होमो सेपियंस अपीयर्ड ऑन स्किन ओनली, होमो सेपियंस प्रकट हुए केवल, कब प्रकट हुए? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लगभग 10,000 साल पहले, क्योंकि ये आपका मॉडर्न की बात करी जा रही है होमो सेपियंस, तो ये आपका 10,000 ईयर्स एगो यानी 10,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है हनी इज यानी शहद होता है, क्या होता है? नेक्टर ऑफ फ्लावर या नेक्टर और नेक्टर स्टोर्ड इन द हनी सैक या नेक्टर मिक्स्ड विथ सलाइवा एंड स्टोर्ड इन हनी सैक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्टर मिक्स्ड विथ सलाइवा एंड स्टोर्ड द हनी सैक यानी शहद थैली में संग्रहित लारयुक्त परागरस। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य है, तो कौन सा है ये? राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट है विच वन इज सेक्स लिंग डिसीज, कौन सा लिंग संलग्न रोग है? तो एल्बाइनिज्म, बेरीबेरी, कलर ब्लाइंडनेस या टाइलोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलर ब्लाइंडनेस, ये आपका है सेक्स लिंग डिसीज। नेक्स्ट है मंगोलाइड कंडीशन इज रिलेटेड टू, मंगोलाइड स्थिति संबंधित है मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नलीसोमी या नन ऑफ अबव। तो जो आपका मंगोलाइड डिसीज़ है ये डाउन सिंड्रोम में होती है और इसमें आपका 21th जो होता है इसमें आपका आ जाती है ऑटोसोम जो होता है 21th पेयर, तो इसमें आपका आ जाती है ट्राइसोमी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ट्राइसोमी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये आपका सहजीवी जीवाणु है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड क्या होते हैं? तो प्लाज्मिड जो होते हैं ये होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी जीवाणु के वाय गुणसूत्री आनुवंशिक तत्व। नेक्स्ट है डेली मूवमेंट्स ऑफ लीव्स इज एन एग्जांपल ऑफ, पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है लूनर रिदम, सर्काडियन रिदम, अल्ट्राडियन रिदम या फोटोट्रॉपिज्म। राइट आंसर ऑप्शन बी सर्काडियन रिदम। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्लेसेंटा इज, यानी प्लेसेंटा की भूमिका होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी विकसित होने वाले भ्रूण को ये पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The central nervous system develops as a result of, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है फलस्वरूप किसके? मेटामॉर्फोसिस, गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, इन्वेजिनेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी न्यूरुलेशन। नेक्स्ट है द टर्म जीन रिफर्स टू, जीन्स शब्द का अभिप्राय है, तो जीन शब्द से जो अभिप्राय है वो है आपका ऑप्शन डी ए पोर्शन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का एक भाग है, ये छोटा सा जो पार्ट है उसके लिए हम करते हैं टर्म जीन्स। नेक्स्ट है ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज the daughter of a colorblind man, then their progeny, एक वर्णांध पुरुष की शादी एक वर्णांध पुरुष की पुत्री से हो जाती है तो उसकी संतानों में, इसको आप जो है क्रॉस बना करके देखेंगे, तो जो वर्णांध आपका पुरुष है अब इसकी जो शादी होती है वो होती है आपका जो स्त्री है वर्णांध पुरुष की पुत्री, यानी ये होगी वाहक। अब इनका अगर आप क्रॉस बनाएंगे तो इसमें आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हो जाएगा आपका जो 50% सन्स हैं वो आपके कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी 50% सन्स विल बी कलर ब्लाइंड, क्योंकि इसमें जो मेल है वो तो कलर ब्लाइंड है और फीमेल जो है वो कैरियर है, इनके बीच में आप क्रॉस करेंगे तो 50% सन्स विल बी कलर ब्लाइंड, यानी 50% पुत्र जो है वो वर्णांध होंगे। नेक्स्ट है ऑक्टोपस बिलोंग्स टू क्लास, ऑक्टोपस संबंधित है, किससे संबंधित है? अब ऑक्टोपस का इसमें क्लास पूछा गया है, तो ये तो मोलस्का जो है ये तो फाइलम हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा, जो क्लास होगा वो हो जाएगा आपका सिफेलोपोडा। राइट आंसर ऑप्शन डी, सिफेलोपोडा वर्ग से। नेक्स्ट है द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। ये संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार है। तो जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है आपका लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, यानी गमनांग पर जो है ये बेस्ड है पूरा क्लासिफिकेशन। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज निमेटोसिस्ट, दंशिका क्या है, अ कंप्लीट सेल, ऑर्गन ऑफ द बॉडी या पार्ट ऑफ अ सेल या ग्रुप ऑफ सेल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं का एक समूह है निमेटोसिस्ट। तो ये थे इम्पोर्टेंट MCQs। थैंक यू।